तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का एक गुड़लक वाली जो ऐप होती है उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है वंडरफुल लैंड, या बोल सकते हैं वंडरलैंड करके आपको एक ऐप मिलती है जिसके अंदर आप अपनी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, वॉलपेपर्स को। तो उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट्स का क्या नए चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गुडलक में जो वंडरलैंड ऐप होती है उसके नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के गुडलक ऐप में। गुडलक ऐप में जाने के बाद वहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा वंडरलैंड में। वंडरलैंड के अपडेट में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे नया अपडेट यहाँ पर आपको रोल आउट हो गया होगा। तो इस अपडेट्स में क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं पहले तो वो देख लो। सपोर्ट फ्लैक्स विंडो, वॉलपेपर सेटिंग थ्रो, मल्टी स्टार लॉन्जर विजार्ड, ये जिनके फ्लिप फोन है उनके लिए है। इम्प्रूविंग द ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू रिस्पॉन्स स्मूथली, जो भी ट्रांजेक्शन थे जैसे कि इससे पहले वाले अपडेट में आए थे ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं वो बता दूँ मैं आपको। जैसा कि मैं अगर मान लो यहाँ से यूँ करके वापस मोबाइल को अनलॉक करूँ तो जो फ़ोटोज़ ऊपर से नीचे आती है उसको वहाँ पर ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये जो आई है ना इसको ट्रांजिशन कहते हैं। अगर ये बीच बीच में नहीं चल रहा तो इसको एक्यूरेट करने के लिए उन्होंने नया अपडेट निकाला है ताकि वो स्मूथली वर्क करे। फिक्स एन इशू डेट शो इनकरेक्ट इमेज फ्रेम इन सम इफेक्ट वेरियस बग्स एंड फिक्सेस किए गए। तो पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट और नीचे की तरफ देखें इसको कब रोल आउट किया गया। नीचे की तरफ देखेंगे आप, इस वर्जन को रोल आउट किया गया 25 अगस्त 2023 को। इसका साइज है 83.43 MB का। वर्जन नंबर इज 1.3.04। ये हो चुका है फाइनली अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट योर डिफरेंट लॉक स्क्रीन इफेक्ट्स मिल रहे होंगे। तो आपको जो भी करना हो, जैसे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद जैसे कि मेरी ये वाली फ़ोटो लगा के रखी है, आप इसमें अपने इफेक्ट्स डालना चाहते हैं या ट्रांजिशन इफेक्ट डालना चाहते हैं जो भी आप डाल सकते हैं। जैसे फ्रेम डाल रखा है मैंने, आप रिपल डाल सकते हैं, शार्प डाल सकते हैं, एज डाल सकते हैं, ब्लर डाल सकते हैं, CRT डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो आप डाल लीजिए। इसमें कुछ बक्सेस थे उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है। डन करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, फिनिश कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। सेटिस वॉलपेपर पर क्लिक कर देंगे और जब भी आप इसको आप लगाएंगे, अब ये आपका जैसे कि अभी वर्क नहीं कर रहा है तो ये वर्क करने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है। सेकेंड दिया गया फिक्स एन इशू इनकरेक्ट इमेज, जो भी इमेज अगर इनकरेक्ट आ रही थी उसमें फ्रेम के अंदर उसको यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया ताकि अच्छे से फिट फाट हो आपके उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर कुछ बग्स को फिक्स आउट किया गया और कुछ भी नहीं किया गया। मेन बग्स को फिक्स आउट किया गया और कुछ भी नहीं किया गया। ओवरऑल इसमें आप यहाँ पर अपने वंडरफुल इमेज बना सकते हैं, यहाँ पर लॉक स्क्रीन के लिए वॉलपेपर बना सकते हैं और अपने लॉक स्क्रीन के लिए और होम स्क्रीन के लिए वॉलपेपर को डिज़ाइन कर सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं, वीडियोस इफेक्ट डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अच्छे से इसको जानना हो तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना की जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके जरूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।